दोस्तों मैकबुक के अंदर ही जो कीबोर्ड है उसके ऊपर एक छोटी सी स्पेस दी जाएगी जिसमें वो पेंसिल फिट हो जाएगी। दोस्तों कमाल की चीज है। वैसे आप दोस्तों 2021 में एप्पल ने इसे अनाउंस किया था कि वो ऐसा एक मैकबुक लेके आने वाले हैं, लेकिन अभी तक लेके नहीं आए थे। दोस्तों आज जो है फाइनली एक पेटेंट रजिस्टर हो चुका है। दोस्तों देखते हैं इसका मतलब ये आने वाले जो मैकबुक्स होंगे उनमें आपको पेंसिल का सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों जबरदस्त होगा, देखते हैं। वैसे दोस्तों इसी के साथ में अगला अपडेट ऐड कर देता हूं। जो एप्पल है दोस्तों वो बहुत ही जल्दी अपना एप्पल का खुद का सर्च इंजन भी लॉन्च कर सकते हैं दोस्तों गूगल को टक्कर देने के लिए। वैसे ही बता दूं ये अभी से काम नहीं चल रहा है, इसके ऊपर उन्होंने पहले ही बताया था, एक मतलब आप कह लीजिए कुछ 4-5 साल पहले से ही काम चल रहा है। एप्पल ने तब अनाउंस किया था कि वो अपना खुद का सर्च इंजन लेके आने वाले हैं, लेकिन अभी तक नहीं लेके आए थे। तो अब हो सकता है हमें देखने को मिल जाए, शायद हो सकता है इस साल के एंड तक या 2023 में मिल जाए, क्योंकि बेसिकली दोस्तों पहले इसे अनाउंस किया जाएगा उसके बाद ही होगा। तो उम्मीद लगाई जा रही है इस बार जो 6 से लेकर 10 जून तक इनका WWDC लॉन्च इवेंट होने वाला है उसके अंदर अनाउंस कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगले साल अनाउंस किया जाएगा। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है। आपको क्या लगता है दोस्तों कितना सही होगा बताइए जरूर कमेंट्स में। वैसे दोस्तों अगर आप फायरफॉक्स का यूज करते हो तो आप बताऊं इसके अंदर एक ट्रांसलेशन का भी ऐड होने वाला नया फीचर। वैसे तो ऐड हो चुका है, रिलीज किया जा चुका है मोज़रेला की तरफ से, और दोस्तों ट्रांसलेट वेब पेज ऑफलाइन भी ये काम कर पाएगा। दोस्तों काफी अच्छा है, जो भी लोग फायरफॉक्स यूज करते हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अभी दोस्तों यहां पर ये लिखा हुआ है, कंफर्म नहीं है मेरे को कि इसमें अभी तक 8 languages टोटल सपोर्टिव है, तो कौन सी है ये मुझे आइडिया नहीं है, पर दोस्तों काफी अच्छी बात है ऑफलाइन भी कर पाएगा तो अच्छा है। वैसे दोस्तों व्हाट्सएप एक बहुत ही जबरदस्त फीचर के ऊपर काम कर रहा है। अभी तक हमारे पास एक फीचर आया था जिसमें हम लोग डिलीट फॉर एवरीवन कर लेते थे, कोई मैसेज हमने गलती से भेज दिया जिसे हम डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं, डिलीट फॉर आवरसेल्फ कर सकते हैं, लेकिन अभी एक नया फीचर आने वाला है जिसमें डिलीट फॉर एवरीवन या फिर डिलीट फॉर मी या जो भी करके अगर आप गलती से कोई मैसेज ऐसा कर देते हो तो उसे अंडू कर पाओगे। यानी कि जैसे ही मैसेज डिलीट होगा नीचे ऑप्शन आता है मैसेज डिलीटेड, वहां पर साथ में एक ऑप्शन आ जाएगा छोटा सा अंडू का, तो आपका जो मैसेज है वो बच जाएगा अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया है। तो बेसिकली दोस्तों काफी अच्छा फीचर है, लेकिन ये रहेगा सिर्फ उतनी देर में जितनी देर में पॉपअप आएगा, मतलब वो पॉपअप अगर 2 सेकंड का तो 2 सेकंड के लिए रहेगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो अच्छा फीचर है दोस्तों, अभी ये बीटा टेस्टर्स के पास जा चुका है, जो भी लोग बीटा टेस्टर का ऐप यूज कर रहे हैं उनके पास आ गया है, बाकी हम लोगों के लिए नॉर्मल लोगों के लिए आएगा, कुछ 1-2 महीने लग जाएंगे, पर दोस्तों जबरदस्त है। और दोस्तों बता दूं दुबई वगैरह साइड वहां पर एक वू 5G नाम का एक नई सर्विस आज लॉन्च कर दी गई है, स्पेशली सैमसंग S22 सीरीज के अंदर आ चुकी है, वहां पर सपोर्टिव है। अब दोस्तों बेसिकली वहां की टेलीकॉम कंपनीज वगैरह हैं वो वू 5G सर्विस देंगी। जैसे दोस्तों आपको वोल्ट मिलता है, वोल्ट जो हमें 4G की अच्छी कॉलिंग या अच्छी आपको देता है वीडियो कॉलिंग वगैरह, वैसे ही सर्विस 5G के अंदर में, तो वू 5G यानी कि वॉइस ओवर 5G। तो अच्छा दोस्तों अभी हमारे यहाँ तो 5G भी नहीं लॉन्च हुआ है और वहां पर वो 5G लॉन्च हो गया है, देखते क्या निकल के आता है। वैसे दोस्तों मोटो की तरफ से कंफर्म हुआ है कि मोटो जो है अपना G62 5G लेके आने वाला है। दोस्तों अभी G82 की बात हो रही है कि 7th या 8th को आ जाएगा, अभी G62 भी आने वाला है, इसी मंथ आने वाला है इंडिया में। दोस्तों कहा जा रहा है काफी जबरदस्त फोन होगा, देखते हैं इसके बारे में क्या निकल के आता है। वैसे कहा जा रहा है कि जो इसकी डिस्प्ले होने वाली है PoLED होने वाली है, तो डिस्प्ले के मामले में दोस्तों मैं कहता हूं मोटो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इवन बैटरी भी बहुत अच्छी दे रहा है, देखते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों एक बहुत ही अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है गूगल की तरफ से, गूगल पिक्सल 6 प्रो फाइनली Amazon के ऊपर अवेलेबल हो चुका है। तो आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो इंडिया में आप कर पाओगे, पहले अवेलेबल था लेकिन कुछ अलग तरह के डीलर्स या कुछ अलग तरह की कंपनीज वगैरह हायर की जाती हैं और वो अपने हिसाब से बेचती हैं अपना प्राइस लगा के, लेकिन अब डायरेक्टली गूगल के द्वारा बेचा जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूँ 6.7 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले आने वाली है और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। आपको साथ में मिल जाता है गूगल टेंसर चिप जो कि काफी अच्छी निकल के सामने आई थी, 50 MP 48 MP 12 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप रियर साइड के लिए, फ्रंट में 11.1 MP का, और साथ में यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, 30W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा, एंड्रॉइड 12 बेस्ड है, तो इसमें तो अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे 4-5 सालों तक, तो आपका अपडेट होता रहेगा फोन। और प्राइस आपको पड़ेगा 12GB 128GB वाले मॉडल के लिए 71,900 रुपीज का। तो दोस्तों अभी अवेलेबल हो चुका है, जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं गूगल का पिक्सल 6 प्रो वो अवेलेबल हो चुका है, आप कर पाएंगे। और दोस्तों अब बारी होती है ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में दोस्तों सिट्रॉन की तरफ से कंफर्मेशन मिली है, सिट्रॉन C3
इंडिया में लॉन्च होने वाले दोस्तों मिड ऑफ जुलाई को, डेट्स लगभग कंफर्म हो रही है, 16th या 15th को आ जाएगी दोस्तों। काफी अच्छी गाड़ी होने वाली है, मैंने आपको इसके बारे में काफी बार बताया है, देखते हैं क्या निकल के आता है, लेकिन अब ये आने वाली है जुलाई के मिड में। वैसे दोस्तों एक अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है और काफी अलग सा अपडेट निकल के आ रहा है, आपको दोस्तों निकल के आ रहा है BMW की तरफ से, और BMW दोस्तों उन्होंने आज टीज किया है कि वो अपनी एक नई बाइक लेके आने वाले हैं 15th ऑफ जुलाई को। अब दोस्तों ये जो बाइक है ये कहा जा रहा है बिल्कुल सिमिलर होगी जैसे अपाची की RR होती है, उसके बेस पे बनाई जा रही है दोस्तों। हो सकता है उसका डिजाइन, उसके फीचर, उसका मैकेनिकल, जो पूरी आपको पावर मिलती है, नैनोमीटर मिलता है, टॉर्क मिलता है, हर तरह की चीज को कॉपी किया जाएगा या शेयर किया जाएगा बिल्कुल सेम। अब दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में, BMW का ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, अपने व्यू जरूर बताइएगा, देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे अपाची RR 310 को अगर ऐसा कॉपी किया जाएगा तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ चेंजेस भी होंगे और कुछ ना कुछ अलग तो होगा ही, बाकी देखते हैं। तो दोस्तों आज की टेक और ऑटो दोनों अपडेट यहीं पे करते हैं, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।